एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑन वेदांतु नीट मेड इजी। तो बच्चा लोग, आज बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही हैपनिंग न्यूज है आप सभी के लिए कि आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमिटी यानी कि AACCC ने आयुष की काउंसलिंग के लिए स्केड्यूल जारी कर दिया है। आप सभी बच्चों के पास में काउंसलिंग का स्केड्यूल पूरा आ चुका है आज, और आपको मैं बताने जा रही हूँ क्या क्या हमारे पास में इंपॉर्टेंट डेट्स है फर्स्ट राउंड के लिए, सेकेंड राउंड के लिए, और फिर स्ट्रे राउंड की बात भी हम थोड़ी सी कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आयुष के अंदर हमारे कौन कौन से कोर्सेज परस्यू हो सकते हैं, BAMS यानी कि आयुर्वेदिक, और BHMS यानी कि होम्योपैथिक, एंड BUMS यानी कि यूनानी। ये तीनों ही कोर्सेज में आप लोग अपना ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, एंड ये तीनों ही बहुत ही अच्छे और रिनोन्ड कोर्सेज है इंडिया में। एंड ऑल्सो इन तीनों कोर्सेज के करने के बाद में आपको एक डॉक्टर के लेवल का ही रिस्पेक्ट मिलता है, बिकॉज आप कंप्लीटली इनटू मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो भी लोग ये कोर्स करने जा रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे डेट है आज। आप फटाफट से अपनी काउंसलिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स के प्रिपरेशन कर लीजिए, और एक बार चेक जरूर कर लीजिए कि आपके रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। आप बोलेंगे मैम ये कैसे चेक करेंगे, ये सेशन के एंड होने के बाद में मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिस्ट दे दूंगी कि 2022 नीट के काउंसलिंग के समय पर कौन से रैंक वाले बच्चे को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था। ठीक है, हमारी आयुष काउंसलिंग में, तो आयुष 2023 काउंसलिंग की डिटेलिंग फटाफट से देखते हैं बच्चों, स्केड्यूल समझ लेते हैं। स्केड्यूल समझने से ये बेनिफिट होता है कि हम अपने आप को प्री यानी कि एडवांस में प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं अभी, और हमारा क्या डेट पे क्या चीज होगी, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें। आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज हैं, सब चीजें अप टू डेट रखें और टाइम फ्रेम के अंदर काम कर लें। लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम के लिए इसको छोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है रजिस्ट्रेशन अगर हमको करना है तो किस दिन करना है। तो फर्स्ट की बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड चालू कब हो रहा है, फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है बच्चों आप लोगों का 1 सितंबर को, और कब तक चलेगा ये, 4 सितंबर तक। लेकिन क्या 4 सितंबर की रात तक कर सकते हैं, नहीं, दिन में 2 बजे तक। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए बच्चों 2 बजे तक आप लोगों को ये काम करना है सर्वर टाइम के हिसाब से। आप ऐसा नहीं सोचना कि 4 तारीख तक का हमारे पास समय है, बहुत टाइम है, तो 4 तारीख तक हम वेट ही कर रहे हैं एंड मोमेंट का। 2 बज जाएगी, पता नहीं चलेगा, इसलिए जो हमारा शुरुआती दिन है 1 से 3 में ही आपका पूरा काम आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ये बात हुई है रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फैसिलिटी की। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के लिए सर्वर कब से कब तक खुला रहेगा, 1 से 4 तारीख तक खुला रहेगा। 4 तारीख में दिन में 2 बजे ये सर्वर बंद हो जाने वाला है। ठीक है, फिर पेमेंट फैसिलिटी जो है वो आपकी 5 बजे तक रहेगी 4 तारीख को। यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेडलाइन है हमारी कि भाई आपने पूरी डिटेल्स फिल कर दी है, पेमेंट नहीं हो पाया अगर 2 बजे तक तो कोई बात नहीं, आप 5 बजे तक पेमेंट कर देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट डिटेल हो गई है। देन चॉइस फिलिंग कब कर सकते हैं, अब मैंने कहा मैंने अभी हाल जो है चॉइस फिलिंग करनी है। ऐसा कभी कभार हमें कंफ्यूजन रहता है कि यार हम किसी 4-5 लोगों से पूछ लेंगे कौन कौन से कॉलेज लगाने चाहिए इस लिस्ट के अंदर, हमारी कौन सी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आपने रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत बाद ही जो है चॉइस फिलिंग करना, कभी कभार बच्चे सोचते हैं जरूरी नहीं है। ठीक है, आप टाइम ले लीजिए, आप 2-3 घंटे ले लीजिए, और 2 तारीख को सुबह सुबह ही अपना फिल करना चालू कर दो चॉइसेस, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो तो 1 को ही खुल गया है, लेकिन चॉइस फिलिंग का जो टाइम है आपको वो उन्होंने बहुत स्मार्टली 2 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक दिया है, और 4 सितंबर को जो है 11:55 पर सर्वर बंद हो जाएगा। यानी कि 2 तारीख पूरी, 3 तारीख पूरी मिल रही है आपको, और 4 तारीख का 11:55 तक का दिन का ही समय मिल रहा है। ठीक है, नहीं 11:55 PM दिया, रात तक का समय मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि आपको 12:05 पहले तक ये काम करना है रात में। 11:55 PM है बच्चों, ध्यान दीजिए, 2 तारीख पूरी मिल रही है, 3 पूरी मिल रही है, और 4 भी पूरी मिल रही है, लेकिन आखिरी के 5 मिनट छोड़ देना प्लीज। ठीक है, क्योंकि सर्वर एंड मोमेंट पे कभी कभार जाम हो जाता है, वर्क नहीं करता है। सो दिस इज द पॉइंट, चॉइस फिलिंग का आपका टाइम आप देख लीजिए 2 PM से लेकर के 11:55 PM है ऑन 4th। ये चॉइस का लॉक करने का टाइम है, मतलब मैंने कहा मैंने ये कॉलेज भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया, चेंज कर सकती हूँ क्या, बिल्कुल कर सकती हूँ, आगे पीछे सिक्वेंस करना है कर सकती हूँ। कब तक कर सकती हूँ मैं ये सब,
ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये मैं एंड मोमेंट तक भी कर सकती हूँ, लेकिन लॉक करने का टाइम कि भाई जो मैंने ऑप्शंस लगा दिए यहाँ पर इनको लॉक कर देती हूँ मैं, अब इसमें मैं कोई बदलाव नहीं करना चाहती हूँ, नहीं करना चाहता हूँ, तब आपको वो टाइम जो है वो 4 सितंबर के दिन का टाइम है, 2 बजे से लेकर के 11:55 पे आपको चॉइस लॉक करनी है। पता पड़ा आपने चॉइस फिल कर दी और आप भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चॉइस फिल करने के बाद में लॉकिंग ऑप्शन इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 4 तारीख को आप लोगों को दिन में 2 बजे से लेकर के रात के 11:55 तक चॉइस को लॉक करने का टाइम मिलने वाला है सर्वर पे, ठीक है। फिर भी मैं आपको बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगी बच्चों कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत टाइम जाया ना करें, ओके, ठीक है। चलिए, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो है बच्चों ये 5 सितंबर से 6 सितंबर तक चलेगी। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट मतलब कि वो डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा सीट मिलना है और 7 तारीख को आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिल गया है, ठीक है। फिर आपको जो कॉलेज मिल गया है वहां पर जाकर के रिपोर्ट करना पड़ेगा, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसिल मान लिया जाता है। तो रिपोर्टिंग आपको कब करनी है वो आपको कॉलेज बताएगा। डेट 8 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर के बीच का ये टाइम फ्रेम रहने वाला है। तो ये हो हमारा फर्स्ट राउंड की बात कर रहे थे हम, ठीक है। सेकेंड राउंड की बात करते हैं बच्चों। सेकेंड राउंड जो है आपका ये 20 सितंबर से 24 सितंबर के लिए रहेगा, मतलब जिसका फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ वो सेकेंड राउंड में रीअपेयर कर सकता है, रीट्राई कर सकता है। और 20 सितंबर से 24 सितंबर तक ये सेकेंड राउंड की काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट चलेगा, जो कि फिर से सेम दिन में 2 बजे तक का आपके पास में टाइम रहेगा ये किस चीज का, रजिस्ट्रेशन का। और 24 सितंबर की शाम के 5 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड राउंड की जो हमारी चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की जो टाइमिंग है उसको मैं आपको बता देती हूँ। चॉइस फिलिंग आपको कब करनी है बच्चों, 21 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक रात में 12 बजे तक आप कर सकते हैं, 5 मिनट पहले का टाइम, मतलब 11:55, ठीक है। और चॉइस लॉकिंग का टाइम जो है वो आपका 24 सितंबर का है, 2 बजे से लेकर के 11:55 तक रात में। इसके बाद में आपको चॉइस लॉक हो गई। फाइनली आपके लिए जो प्रोसेसिंग का टाइम लेंगे वो 2-3 दिन का लेंगे। 27 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा और 28 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है, अगर आपका सेकेंड राउंड की मदद से एडमिशन हो जाता है तो, ठीक है। उसके बाद में थर्ड राउंड भी आता है बच्चों, जिसका सेकेंड राउंड में नहीं हुआ वो थर्ड राउंड में रीअपेयर कर सकता है, रीट्राई कर सकता है, जो कि 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसका भी टाइम जो है 12 से 15 अक्टूबर है, दिन में 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और शाम के 5 बजे तक पेमेंट कर सकते हो आप, कब, 15 अक्टूबर को, ठीक है। फिर इसके बाद आती है चॉइस फिलिंग ऑप्शंस एंड लॉकिंग ऑप्शंस। 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आप चॉइस फिल कर सकते हैं 11:55 तक, और 15 अक्टूबर के दिन आपको दिन में 2 बजे से लेकर रात में 12 बजने में 5 मिनट कम तक का टाइम मिलेगा इसके चॉइस को लॉक करने के लिए, ठीक है। और फिर 16 अक्टूबर से 17 तक वो प्रोसेसिंग करेंगे कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट करना है, 18 को रिजल्ट दे देंगे और 19 से लेकर के 26 अक्टूबर तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना रहेगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद में भी मान लो कि सीट बच जाती है बाय एनी चांस, तो वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड आएगा आपके सामने। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो आपको 30 अक्टूबर के बाद 5 बजे के बाद आएगा, लेकिन अभी आपको बेसिकली फोकस करना है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राउंड काउंसलिंग पे, ठीक है, ओके एवरीवन। थर्ड राउंड के बाद में जो भी वेकेंट सीट्स बच जाती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, ठीक है, उसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो उनको भेज दी जाती है कि ये एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, और वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए फिर उनको कॉल कर सकते हैं और फिर वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सिलेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल द बेसिक थिंग्स जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने कॉलेजेस की लिस्ट चेक कर लीजिए, आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकता है, प्रीवियस ईयर के जो हमारी रैंक्स हैं उसके अकॉर्डिंग में आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये कॉलेज आप एक बार चेक कर लीजिए। एंड आई रियली होप कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ही अपना प्रेफर्ड कॉलेज मिल जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वेदांतु नीट मेड इजी। एंड इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वी आर हेयर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।